हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका धाकड़ एकेडमी में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सबसे पहले आते हैं इसकी पहचान पे। पहचान क्या होती है इसकी? किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जी हाँ, वो कहलाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वॉज एंड वर। तो ऑब्वियस ही बात है, वॉज का यूज करेंगे हम फर्स्ट ग्रुप के साथ और वर का यूज करेंगे हम सेकंड ग्रुप के साथ। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि जो आई होता है, आई का यूज हम वॉज के साथ करते हैं। तो आई और फर्स्ट ग्रुप के साथ यूज करेंगे हम वॉज का, और वर का यूज करेंगे हम सेकंड ग्रुप के साथ, लेकिन उसमें आई नहीं आएगा। ठीक है। तीसरी चीज, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी? कंटिन्यूअस टेंस है। पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? यस यस यस, आई एन जी आएगा हमेशा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आई एन जी आएगा। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस के साथ। सबसे पहले आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो बनाते हैं हम सेंटेंस। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। तो मैं है तो आई, आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज। पढ़ाना मीन्स होता है टीच, तो आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे। तो यू, यू इज अ सेकेंड ग्रुप, जैसे यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था। तो वो ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। या इसको बोल सकते हैं ही वॉज हैविंग फूड, ही वॉज हैविंग फूड, या ही वॉज टेकिंग फूड। हम ये तीनों सेंटेंस में कुछ भी हैव, टेक, ईट, ये तीनों चीज में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे। तो हम है तो वी के साथ आएगा वर, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसी के साथ आपका सिंपल सेंटेंस गाइस फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगना है? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वॉजंट या वरंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम खाना नहीं खा रहे थे। तो यू वरंट या यू वर नॉट हैविंग फूड या टेकिंग फूड। मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था। आई वॉजंट या आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम नदी में नहीं तैर रहे थे, हम नदी में नहीं तैर रहे थे। तो वी वरंट या वी वर नॉट, वी वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। तो गाइस एक साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स आपके प्रश्नवाचक क्वेश्चन। क्या मैं सो रहा था, क्या मैं गा रहा था, क्या मैं रो रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, इस तरीके से। सबसे पहले आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस, वेरी गुड। तो क्या मैं खाना खा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था। तो क्या मैं, इसलिए आएगा वॉज, वॉज आई हैविंग फूड, वॉज आई टेकिंग फूड। क्या हम नाच रहे थे, क्या हम नाच रहे थे। वर वी डांसिंग, वर वी डांसिंग, वर वी डांसिंग। इसी के साथ आपके इंटरगेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं। अब आते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव पे। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव मींस क्वेश्चन भी और नहीं भी। तो इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वॉजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे। वरंट यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वरंट यू सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर वर यू नॉट, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वो नहीं नाच रहा था, क्या वो नहीं नाच रहा था। वॉज ही नॉट डांसिंग, वॉज ही नॉट डांसिंग, वॉजंट ही डांसिंग, वॉजंट ही डांसिंग। तो
तो इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फिनिश होता है। तो भी गाइस आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा और आप इसके प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसको बोलें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनसे भी आप बात कर सकते हैं बोलें, यूज करें, उन लोगों को बताएं। और जो भी आपको हमें फीडबैक देना है प्लीज फीडबैक सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।